16 अक्टूबर सोमवार के दिन आपके लिए कैसी रहेंगी? इस दिन कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगा, कौन से लाभ होंगे, कौन से फायदे होंगे, क्या क्या सावधानी बरतनी है और आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या रहेगा, कितना प्रतिशत भाग्य आपका साथ निभाएगा और किस तरह से प्लान करके चलें ताकि दिन बने सबसे खास, सबसे बेहतर। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह नक्षत्र और पंचांग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज दिनांक 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार, तिथि की अगर बात करें तो शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 1:13 तक रहेगा और इस दिन स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रही है। आज का शुभ समय 11:49 से 12:35 तक रहेगा। वहीं राहु काल की अगर बात करें तो राहु काल का समय है 7:53 से 9:20 तक। दोस्तों, इस राहु काल में कोई भी नए कामों की शुरुआत भूल से भी ना करें, नहीं तो विघ्न बाधा आ सकती है। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। तो सूर्य कन्या राशि पर गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा तुला राशि में संचार करेगा पूरे दिन रात। आइए बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल और यह प्रेडिक्शन आपके चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके हर कामों में आत्मविश्वास की झलक दिखेगी। जी हाँ, कुछ समय पहले बहुत मुश्किल दिखने वाली बाधाएं आज आसानी से पार हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि आज आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे और आपको उसमें सफलता उम्मीद से ज़्यादा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी संवाद कुशलता अब पहले से बेहतर है और आप लोगों के चलते विश्वास के झलक लेकर अपनी बात साझा कर पाएंगे। दिन मुश्किल परियोजना पर काम करने के लिए उपयुक्त है। जो काम बहुत दिन पहले आपको लग रहा था ये काम नहीं होगा, लेकिन उस कामों को आज आप करने की कोशिश करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। क्योंकि दोस्तों, भाग्य ग्रह गोचर पूरी तरह से आपके अनुकूल है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज आपको अपने कार्य के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से आपकी प्रगति को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी उनकी निगाहें आपके ऊपर बनी हुई हैं। आपके लिए बेहतर यही होगा कि तन मन से काम करें, आपकी प्रमोशन आदि हो सकती है। जी हाँ, वे आपके समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपके थोड़े अधिक प्रयासों से आपके करियर को एक नई गति मिल सकती है। जी हाँ, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके इन गुणों को ध्यान में रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, काफ़ी समय से जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है, कुछ मज़ेदार भी नहीं हो पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अपनी नीरस जिंदगी में कुछ साहसिक गतिविधियाँ शामिल करें, अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल पर जा सकती हैं या कहीं भी बाहर घूमने जाएं। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए कुछ समय तक खुद को कुछ समय सामाजिक और निजी गतिविधियों से दूर कर लें ताकि एकाग्रता से काम कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, तभी आपको उसमें लाभ होगा। अगर आप समय पर कोई भी काम करेंगे तो आपको उसमें लाभ जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप जो चाहते हैं वे सब कुछ हासिल करने की आप में शक्ति है, आप में जुनून है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इस तरफ आप अपना ध्यान ना दें। जी हाँ, क्योंकि लोग अमरूद खरीदते वक्त भी कहते हैं मीठे हैं ना, लेकिन बाद में उसे नमक लगा कर खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, वे लोग इस तरह का दिखावा कर सकते हैं जिससे आपको नीचा दिखना पड़े, पर अंदर से वे लोग जानते हैं कि आप में अपार प्रतिभा है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे, आप अपने आत्मविश्वास का आनंद लें, क्योंकि आपका खेल खेलने से पहले ही जीतना तय है। जी हाँ दोस्तों,
इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ज़रूरत है आपको अपने कामों पर ही ध्यान देने की। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत अच्छे हैं। व्यवसाय में कुछ नए अनुबंध मिल सकती हैं। जल्दबाजी की बजाय गंभीरता से और सावधानी से काम करें, पूरे करें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। नौकरी पेशा लोग अपने प्रमोशन संबंधित कागजात कंप्लीट रखें, क्योंकि कोई परेशानी आने पर वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए ही उचित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको लापरवाही करने से बचना होगा। सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण लोगों से मेलजोल बढ़ेंगे तथा यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। अगर कोई पेमेंट आदि फंसी हुई थी, कहीं पर पैसा रुका हुआ था, तो आज प्रयास करने पर वसूल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपकी काम बन सकती है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय आय का कोई रुका हुआ साधन पुनः शुरू हो सकता है। आप बुद्धिमान व होशियारी से सभी काम बेहतरीन तरीके से पूरे कर पाएंगे, जिसमें आपको लाभ होगा। विद्यार्थी वर्ग भी व्यर्थ की बातों पर ध्यान हटाकर अपने अध्ययन के प्रति जागरूक रहेंगे। रिश्तेदारों से चल रहे किसी पुराने मतभेद का निपटारा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे अपने भावुकता पर और उदारता की अधिकता पर विजय हासिल कर लें, क्योंकि इन आदतों की वजह से आप अपनी नुकसान कर बैठेंगे। जी हाँ, नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल जरूर कर लें, आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में, लॉटरी सट्टे में, म्यूचुअल फंड में, कहीं पर भी आप धन निवेश करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में दोबारा सोच विचार कर लें, आपके लिए बेहतर होंगी। नहीं तो आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है। व्यवसायिक क्षेत्र में नई पार्टियों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहें, इस समय बहुत मेहनत की ज़रूरत है। जी हाँ, राजनीतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनेंगे। वहीं दोस्तों, अनुचित कार्यों से दूर रहने का प्रयास करें, ऑफिस में अत्यधिक कार्यभार रहेगा। लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है और इसका असर आपके करियर पर भी पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करें और जितना हो सके खुश रहने का प्रयास करें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे और इससे मन भी आपका शांत रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक की। तो आज आपका शुभ रंग है सफेद कलर और शुभ अंक है 6। दोस्तों, भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 75%। तो दोस्तों, जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।